आपने नहीं देखा जब मैं भारत सरकार का मंत्री था और यहां पर दिल्ली से एक शक्तिशाली महिला के द्वारा भेजा हुआ छत्तीसगढ़ का मालिक मुख्यमंत्री थोपा हुआ जो कभी कलेक्टर हुआ करते थे तो आज मुख्यमंत्री हो गए। सब तबकों को दबा कर रखना, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे राजनेता हो और किसी भी दल का हो, हिंदुओं के माध्यम से हिंदू नेता को किस प्रकार से फंसाया है। हिंदू ने क्षणिक लाभ के लिए, कुछ चांदी के टुकड़े के लिए हिंदुओं को फंसाया। खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, जो हुआ है सब आपको पता है, लेकिन हिम्मत हिम्मत के साथ आप सबने साथ दिया, उठा के फेंक दिया। एक फूंक मारी है मुख्यमंत्री चले गए, जिसने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे जगह चर्च बनाए थे जहां एक भी ईसाई भाई नहीं है, वहां चर्च बना दिए। उसकी नियत में खोट था। ये ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने देश के अच्छे अच्छे भूखंड अपने कब्जे में रखे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे महाद्वीप को, जहां पर वनवासी आदिवासी जहां वास करते थे, उन पर राज्य कर रहे और आज स्थापित हो गया। पर तकलीफ की ये बात है कि उनको मदद करने वाले हमारे ही अनुभव। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे रहते आप सबों को किसी की बात से डरने की जरूरत नहीं। जो भी हिंदू का बच्चा कभी बैठे कोई आपको तंग करे तो एक चिट्ठी भेज दिया कीजिए, दिलीप सिंह जूदेव जशपुर, आप लोग जो ईश्वर की दिव्य शक्ति जितनी भी होगी, मैं अपने टोले के साथ यथाशक्ति पहुंचने का प्रयास करूंगा, निराकरण करने का प्रयास करूंगा, पर जूझना सबको पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि है खुदा मुझे दुश्मनों का खौफ नहीं, मुझे अपनों से बचा, मुझे अपनों से बचा जो मेरा राज जानते हैं। Thank you.